तो भाई एक बंदा है जिसने आज ओरियो से पंगा ले लिया और ओरियो को पूरी टक्कर की वो दे रहा है, देखो पूरा टक्कर दे रहा है ओरियो को, वो देखो देखो देखो, ओरियो को भगाने वाला पहला पहला डॉग भाई। स्टे मिमी, देखो अब ना ये स्टे कर रहा है ना तो अब ये बिस्किट से अपना मुंह फिराएगी। स्टे स्टे मिमी, स्टे स्टे, ओके चलो गो गो। देखो गो गो पे खा लिया। इनके खाने की बारी है तो बस अब इसके बाद गाइस आपको इनकी कभी ना अभी मैं कोशिश। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज मज़ेदार तो होने ही वाला है, थोड़ा सा सैड भी होने वाला है, बिकॉज हमारे जो प्यारे प्यारे मैगी के पपीज थे अब उनका टाइम आ गया कि वो अपनी फैमिलीज के पास जाना शुरू करें, उनके फॉर एवर होम जाना शुरू करें। सो पपीज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के होने वाले हैं और फाइनली एक एक करके मैंने सभी पपीज के अच्छे अच्छे पेरेंट्स हमने ढूंढे हैं, और कुछ पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेट भी हैं, हमारे स्टेट से बहुत दूर भी हैं और कुछ पास में भी हैं। तो आई ट्राई कि जो हमारे डॉग्स जो हमारे पपीज़ जो हैं आसपास जितने भी फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं उनको मैं खुद देने जाऊं, उनसे मिलूं, एज वेल एज दिखाऊं कि वो कहां पर रहने वाले हैं, उनका क्या इंतज़ाम रखा है उन्होंने। और साथ साथ देखो हमारे साथ आज हमारे ब्लॉग में कौन है, वो हीटर के आगे देखो कौन बैठा है। तो बेसिकली यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा, और देखो बॉल लेके बैठी है हमारी मीमी मीमी। ओके गाइस, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ब्लॉग शुरू करने से पहले। मीमी इधर आओ, काम है मीमी, बिस्किट मीमी बिस्किट, ओह मीमी बॉल मीमी बिस्किट, लो बिस्किट 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 बिस्किट, सेट। देखो इसको हमने थोड़ा सा ट्रेन किया है। स्टे स्टे मिमी, देखो अब ना ये स्टे कर रहा है ना तो अब ये बिस्किट से अपना मुंह फिराएगी। स्टे स्टे मिमी, स्टे स्टे, ओके चलो गो गो। देखो गो गो पे खा लिया। अच्छा अब आपको लग रहा है कि शायद एक बार क्या हो, पर आई कैन ट्राई अगेन। मिमी स्टे स्टे स्टे, मुंह फेर रही है, गो। देखा गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमने जो है मिमी को ट्रेन किया है। ओके गाइस, सो मेरे को जो है आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बहुत टाइम से जो है मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहा है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मैं धूल मिट्टी के बीच में रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय वर्क, एंड उसकी वजह से जो है मेरी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा टैन होनी शुरू हो चुकी है, और साथ साथ मेरे फेस का जो ग्लो है वो बिल्कुल ही गायब हो चुका था। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको मैं बताऊँ कि मैंने वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम और आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जो है क्या यूज़ कर रहा हूँ अपनी फेस की ग्लो को वापस लाने के लिए, और आप मतलब यकीन मानेंगे कि 4 वीक्स हुए हैं और मुझे ऑलमोस्ट 40% आप कह सकते हो, अगर मैं कोई अंदाज़ा लगाऊँ कि 40% तक जो है मेरे फेस का ग्लो मुझे वापस मिला है, वो है सिर्फ और सिर्फ मामा अर्थ उपटन फेस वॉश की वजह से। तो अगर मैं बात करूँ उपटन की, तो उपटन आपको पता है हमारे एंशियंट टाइम में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इनफैक्ट शादी के अंदर आज भी जो है हम उपटन लगाते हैं, इसके अंदर हल्दी और अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है और टू गेट दैट शादी वाला ग्लो, यू नो, सो उस चीज़ के लिए जो है हम उपटन यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मामा जो है हमारा एक प्रोडक्ट दिखता है जो कि है उपटन फेस वॉश, जिसके अंदर जो है टर्मरिक एज वेल एज सैफ्रन है। अगर मैं बात करूँ टर्मरिक की, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और साथ साथ जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और हमारे को जो है एंटी आप कह सकते हैं, आप जो कह सकते हैं हमारे को प्री मैच्योर एजिंग से जो है बचाती है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सैफ्रन की, तो सैफ्रन आपको पता है कि कितना ज्यादा हमारी स्किन के लिए या हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, तो दोनों चीजें इसमें है। एज वेल एज वॉलनट्स के जो है बीट्स हैं, जो कि जो है हमारे को जब हम इसको इससे फेस वॉश करते हैं तो हमारे को स्क्रबर का काम करते हैं, हमारे को अलग से स्क्रब नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको एक बार यूज करके दिखाता हूं। तो जैसे आप लेंगे, तो ये मेरा ना एक लौता पैक नहीं है, इससे पहले मैं एक पैक और इसका खत्म कर चुका हूँ, यहाँ पर खत्म पड़ा है मेरे पास इसका एक पैक, और इसको मैं बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट डेली इससे जो है अपना फेस वॉश करता हूँ। ओके गाइस, तो आप थोड़ा सा अपना हाथ पे अप्लाई कर ले, और उसके बाद आप हल्का सा वाटर लेके इसको ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे आपको ना यहाँ पर थोड़े थोड़े स्क्रबिंग के लिए चीजें दिख रही होंगी। तो ये जो वॉलनट्स के जो बीट्स होते हैं उसकी वजह से हमारे को स्क्रबिंग, एक तरीके से स्क्रबिंग का टेक्सचर यहाँ पर मिल जाता है।
ओके गाइस, सो ना ही सिर्फ हमारा उपटन फेस वॉश, मैं जो है साथ ही साथ यूज करता हूँ ये उपटन फेस मास्क एज वेल। बेसिकली ये भी बाल को बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे स्किन की जो है ग्लो को वापस लाने के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। इसके अंदर जो है टर्मरिक सेफ्रॉन एज वेल एज आप देख सकते हैं एप्रिकॉट ऑयल है, ठीक है, जो कि जिसको अगर हम वीकली जो है दो बार अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो हमारे को एक बहुत अलग सा जो है ग्लो दिखता है। जैसे कि आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं कि कितना चेहरा चमक रहा है मेरा। सो आई सजेस्ट यू टू यूज दिस प्रोडक्ट, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और हाँ, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मामा अर्थ जो है जब भी आप इनके वेबसाइट या ऐप से एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये आपके लिए एक ट्री प्लांट करते हैं। इनका इनिशिएटिव है कि 1 मिलियन ट्रीज इनको प्लांट करना है, दैट इज सो ग्रेट। और हाँ, आप जो है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नायका जैसी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, एज वेल एज इनकी मामा अर्थ की वेबसाइट से। और हाँ, आप साथ ही साथ इनकी ऐप इंस्टॉल करके वहां से भी इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। एंड टू गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट आप मेरा कूपन कोड टूलकिट 2022 यूज कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट, सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। और अभी फिलहाल जो है मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, आज आप कह सकते हैं लास्ट टाइम मैं जो है अपने बच्चों से मिलने वाला हूँ। एंड विल सी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, ओरियो शिनचैन को भी मिलवाएंगे बच्चों से। तो चलिए अभी फिलहाल घर के लिए निकलते हैं। A few moments later. Okay guys, so अभी फिलहाल जो है हम पहुंच गए हैं अपने घर पे, और मैं घर पर जो है लेकर आया हूँ साथ ही साथ हमारे 6 प्यारे पग के बच्चे। तो सभी का आपको नाम पता है, सभी को आप पहले दिन से देख रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट ये बच्चे जो है अब 2 मंथ के होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरे घर के पास इतनी सारी आवाज़ें निकल रही होती है, कोई यहाँ से बाइक, कोई कुछ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है सारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, और अभी मैं बॉक्स खोलूँगा, दिस बॉक्स इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस। अरे अरे अरे, तो मैं इनको सिर्फ मेरी मासी जी का घर जो है बिल्कुल पड़ोस में ही है, तो मैं वहाँ से सिर्फ इनको अभी तक लेके आया हूँ। तो मैं इनको छोटा सा बास्केट छोटी पड़ रही है, बट अब इस बारी आ चुकी है इन सभी की एक एक कर हमारे को अलविदा कहने की। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो इनकी 1-2 वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो इनके अच्छे पेरेंट्स हैं जिन फैमिलीज को हमने दिए हैं उनके साथ, तो वो उसके लिए भी आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वैसे जो पहले आ गई है फ्रूटी, तो फ्रूटी के साथ पहला हमारा प्लान है कि हम फ्रूटी को जो है अपने पास ही रखें, है ना फ्रूटी। तो इन्होंने सभी ने ना खाना खाया हुआ, देखिए इनका मुंह देख, इली उली, अच्छा फ्रूटी की ना नोज देखो, बिल्कुल ही नोज नहीं है, ओली ओली ओली। ओके, तो अभी फ्रूटी के बाद बारी है हमारे प्यारे पंपकिन की। पंपकिन, अब इनमें से ना पंपकिन और रोमियो दोनों जुड़वा है, बिल्कुल जुड़वा है। कौन सा पंपकिन और कौन सा है रोमियो, ये हमें देखना पड़ेगा गाइज। ओके, तो अब इसमें से कौन सा है पंपकिन, कौन सा है रोमियो। हाँ जी, हमारे साथ अनन्या आ रही है। पंपकिन कौन सा, रोमियो कौन सा है? रोमियो पंपकिन। ये पंपकिन है? यस। पक्का? रोमियो की लाइन होती है सिर पे। हैं? कहाँ पे है रोमियो की सिर पे लाइन? ये है सिर पे लाइन, तो इसके है? इसके नहीं, इसके है। अच्छा, यहाँ से। अच्छा, देखा इनको पता है। वाह, तो ये इनको अभी हम नीचे छोड़ते हैं। ये देखो, और अभी ये देखो, अब बारी है एप्पल की। सो ये रहा हमारा शीरो, ये शीरो है, ये शीरो है। तो ये रहा हमारा एप्पल, ओली 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 एप्पल। और इसके बाद जो है बारी है हमारे शीरो की, शीरो। तो लास्ट जो आपने मेरे 10 पग्स वाली वीडियो देखी थी उसमें मैंने डिटेल में अपने पग्स के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, तो ये रहा लास्ट में, आप इसको जेमसन भी कह सकते हैं, साथ साथ इसका सेकंड नाम क्या रखा है हमने? कोको। तो कोको और जेमसन दो नाम है इस बच्चे के। अली अली अली, ये खतरनाक है भाई, ये बहुत शरारती बच्चा है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, चलालती बच्चे हो ना, चलालती बच्चे हो ना। ओके, तो मेरा जो ओरियो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता था जब बचपन में आया था वो, तो अभी इनको नीचे छोड़ा है। मम्मी कैसे लग रहे हैं? ये तो ओरियो जैसा ही लग रहा है। तो फाइनली ना अभी मम्मी इनकी बारी आ चुकी है अपने अपने घर जाने की, ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस हो चुके हैं। पपीज आर वेल वैक्सीनेटेड, और आई होप जिन जिन घरों में जाएं वहाँ पर इनका ध्यान रखा जाए, जैसे भैया भाभी ने और हम सब ने मिलकर रखा है इनका। आज थोड़ा सा ना अलग अलग, देखो शिनचैन, देखो शिनचैन, देखो शिनचैन, देखो शिनचैन उठ के आया, हाल चाल पूछ रहे अपने। ये तो मतलब नानू है ना इनका, सबका, बच्चों का। शिनचैन कौन आया मिलने आपसे? शिनचैन, शिनचैन का स्वेटर देख रहे हो? शिनचैन हैरी पॉटर लग रहा है ना, हैरी पॉटर के उसमें ऐसे ही कुछ स्वेटर्स थे।
और देखो कितना खुश है ओरियो, तो अलग ही खुश। ओरियो की एक्साइटमेंट तो अलग ही होती है डॉग्स को देख के ना दूसरे। ओरियो ये क्या एक्साइटमेंट है भाई, वो देखना। ओए ओरियो के डिट्टो, हाँ ओरियो बिल्कुल ओरियो का डिट्टो है, बिल्कुल ओरियो का डिट्टो। ओए तो गाइज बस इस व्लॉग का मेन पर्पज़ ये था कि इसके बाद जो है कि करके लोग अपने घर जाना शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी स्टेट में जा रहे हैं, कुछ बच्चे किसी स्टेट में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास। तो बस ये था कि इनकी लास्ट मोमेंट मैं जैसे कैप्चर कर पाऊँ, बिकॉज इनकी फर्स्ट मोमेंट मैंने कैप्चर की थी, आई बटन में व्लॉग आ रहा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मेक श्योर आप वो व्लॉग भी देखें। फर्स्ट मोमेंट कैप्चर की थी और मेरा बस यही मन था कि इनकी मैं जो मेरे तक जब तक ये हमारे पास है कि लास्ट मोमेंट भी कैप्चर करूँ, और आगे जब भी फ्यूचर में जिस भी घर में जा रहे हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने डॉग्स को जितने पपीज को कवर कर सकूं, उनकी लाइफ दिखा सकूं कि कैसे चल रही है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और वो उसकी इसमें से सबसे ज्यादा शरारती कौन है, कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा शरारती है? ये वाला, इसका क्या नाम है? शीरो। शीरो, शीरो। और ये फ्रूटी तेरे साथ खाना खाती है? हाँ, किसका? अलग से। अपना अलग से खाती है। अपने मम्मी मेरे खाने में मुंह मारते हैं ये सारे है? अपनी मम्मी के खाने में? अच्छा, ये मैगी के खाने में मुंह मारते सारे का। तो भाई एक बंदा है जिसने आज ओरियो से पंगा ले लिया और ओरियो को पूरी टक्कर की वो दे रहा है, देखो पूरा टक्कर दे रहा है ओरियो को। ओ देखो देखो देखो, ओरियो को भगाने वाला पहला पहला डॉग भाई। ओरियो अपने ओए ओए अपने मामू से पंगा, भाई वो नहीं डर रहा ओरियो से, देखो तो सही, वो ओरियो से डर ही नहीं रहा है। मम्मा बिल्कुल ही उसके पीछे पड़ गया है। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं मैगी और कैडबरी के पास। तो जैसे मैगी चलती है सारे बच्चे मैगी के पीछे पीछे, हाँ देख रहे हो सारे बच्चे मैगी के पीछे पीछे। कैडबरी मेरे पीछे आए आए, वो देखो वो देखो वो देखो भाई, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ सारे के सारे। वो देखो जूता लेकर आ गए हैं, फुल मस्तियाँ चल रही हैं। वो देखो उधर इधर कैडबरी की सीट है। हाँ हाँ जी हाँ जी, सारे के सारे देखना कितने तरीके से। हाँ उसको देखो, इनके खाने की बारी है। तो बस अब इसके बाद गाइस आपको इनकी कभी ना, अभी मैं कोशिश करूंगा कि जिन जिन फैमिलीज़ में जा रहा है मैं एक बार उनको भी मैं कैमरा के अंदर लेके आऊं और आपको दिखाऊं कि किन किन फैमिलीज़ के पास जा रहा है। तो उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और बाकी फिर नेक्स्ट व्लॉग में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो इनकी फैमिलीज है मैं उनसे भी आपको मिलवाऊं, एंड विल सी कि ये कहां पर जाने वाले और कैसे रहने वाले हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।